मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा बाईपास पर आए दिन ट्रक चालकों के साथ मारपीट लूटपाट की घटना सामने आती है। ज़्यादा वारदात इस बाईपास पर अंधेरा होने की वजह से हो रहे हैं ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इस बाईपास पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। इसी तरह रात करीब 2 से 3 बजे के आसपास मुंब्रा बाईपास पर गाँव देवी मस्जिद के पास एक कंटेनर चालक को चाकू दिखाकर लूट लिया। दरअसल कंटेनर गुजरात से नवा सेवा की तरफ जा रहा था। इस बाईपास पर गांव देवी मस्जिद के पास कंटेनर चालक सत्यवान राजभर को रोककर गुटखा मांगने लगे। इसी दौरान सहायक चालक प्रमोद राजभर के गले पर चाकू रखकर करीब 3,000 नकदी और लाइसेंस छीन लिए। ये जो लूटमार करने वाले हैं इनकी संख्या करीब 6 से 7 बताई जा रही है। लूटने के बाद चालक को डरा धमका रहे थे, मगर तभी मुंब्रा पुलिस पेट्रोलिंग करते वहां पहुंच गई। पुलिस को देखते ही लूटमार करने वाले भागने लगे, मगर बड़ी ही बहादुरी के साथ नीलेश पवार और नितिन पटोले ने 2 आरोपियों को लूटमार करने वालों को पकड़ लिया। इनके पास से पुलिस ने चाकू भी बरामद की है। भागने के वक्त लूटमार करने वाले मस्जिद के पास बने एक झोपड़े पर चढ़कर छलांग लगा दी, जिसकी वजह से झोपड़े का पतरा भी टूट गया है। फिलहाल बड़ी ही सतर्कता से दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इनका नाम गणेश दीपक सुनावणे 19 वर्ष और दूसरे आरोपी का नाम हितेन गुलबीर ठाकुर 22 वर्ष है। ये सभी उल्लास नगर सहाड़ फाटा 1 के रहने वाले हैं, जो मुंब्रा बाईपास पर लूट की घटना को अंजाम दिया। मैं गुजरात से आ रहा था, नवा सेवा लिए जा रहा था कैलाश यार्ड। तो यहाँ मुंब्रा चढ़ते हुए मुंब्रा ब्रिज से 500 मीटर दूरी पे मस्जिद के पास में लेफ्ट राइट साइड से गाड़ी जा रही थी, लोड गाड़ियाँ, मेरी गाड़ी खाली थी। तो मैं सोचा कि लेफ्ट साइड से निकल जाता हूँ, ठीक। इतने में आगे से सामने एक खड़ा हो गया, मुझे ऑटोमेटिक ब्रेक लेना पड़ा। तो इतने में वो बोलता है, इसको कुछ पैसे दे, दूसरा जो लेफ्ट साइड में खड़ा था बोलता नहीं तो ये मार मुड़ देगा, कुछ भी कर सकता है। तो फिर वो राइट साइड में आया, बोलता मुझको गुटका उटका है, जो सुरती सुपारी मुझे दे दे, मैं चला जाता हूँ। तो मैं इसको अपने कंडक्टर को बोला कि इसको एक बीमल दे दे और ये चला जाए। वो दूसरा वाला बोलता नहीं उसको पैसे दे। तो इतने में वो चढ़ा, चाकू निकाला और मेरे कंडक्टर की गर्दन पर रख दिया और उसके जेब से पैसे निकाला पर्स में। कितना पैसा होता आपसे? मेरे पर्स में 3,000 रुपये था, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड, इतना सामान। कितने बजे की घटना है? करीब 3:30 बजे की घटना है। टोटल कितने लोग थे? 7 लोग। हाँ, क्या नाम आप? मेरा नाम सत्यवान है, मेरे पिता का नाम उमा शंकर है। जिस बाइक पर यह आरोपी आए थे, पुलिस ने उनमें से 2 बाइक को भी जब्त किया है, जबकि आरोपी 1 बाइक लेकर भागने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 506, 234, 37, 135 के तहत मामला दर्ज कर इन्हें कोर्ट में पेशी के लिए भेज दिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।